पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बीजेपी का सदस्यता अभियान जोर पकड़ने लगा है। इसी के चलते आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें सीएम धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड प्रभारी ऋतुराज सिंह एवं बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए जो 12 लाख सदस्य का लक्ष्य दिया था, वह कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर लोकसभा सांसद अजय भट्ट की माने तो उनका कहना है कि 11 लाख का लक्ष्य उत्तराखंड में बीजेपी ने पार कर लिया है और 12 लाख के करीब पहुंचने वाली है। इस बार ओटीपी के माध्यम से ही सदस्यता दिलाई जा रही है, जो पूर्ण रूप से पारदर्शी है, और अगर कोई फर्जी सदस्य है तो वह पार्टी की सदस्यता नहीं ले पाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो प्रजातंत्र के सारे मानकों को पूरा करती है। कैसे हमारी पार्टी में सदस्यता होगी, किस तरह से सक्रिय सदस्यता होगी, किस तरह से हमारे बूथ, मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठन होगा, एक एक करके हम बनाते हैं। और ओटीपी दिया जा रहा है, इस बार कोई फर्जी भी नहीं बना सकता है, लगातार बन रहे हैं। मौसम नए पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण थोड़ी कहीं कहीं पर अभी जाने आने में रास्ते बंद हुए हैं। हम पुराने लक्ष्य को भी पार करेंगे। 2-3 दिन पहले 9 लाख तक का लक्ष्य था, अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि हमने 11 लाख पार कर दिया है। एक अच्छा व्यक्ति अगर सदस्य बनता है, सदस्य ही कल को चुनाव लड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2 तारीख को ली, माननीय मुख्यमंत्रीगणों ने 3 तारीख को ली, देश ने फिर प्रारंभ किया। और अच्छे व्यक्ति कैसे होते हैं, जैसे हमारे मंत्रीगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी एक साधारण कार्यकर्ता बने, आते 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 आज वो विश्व के सर्वमान्य नेता हो गए हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर उठ के हम सदस्यता चला रहे हैं। हमारा सदस्यता अभियान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।